नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये त्रिभुज का पार्ट फोर वीडियो है। इससे पहले तीन वीडियो हम डाल चुके हैं। हम त्रिभुज का चैप्टर के सारे क्वेश्चन में से VBI क्वेश्चन चुन कर लाते हैं। जो क्वेश्चन VBI रहता है वही क्वेश्चन आपको बताते हैं वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो में बने रहे। MK एजुकेशन ऑल सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC एक बिंदु D पर इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB × CD है। आपके पास एक त्रिभुज है ABC, पहले एक ABC त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ABC, BC पर एक बिंदु D है। डी इस प्रकार है कि कोण ADC, तो इसको इसमें मिलाना पड़ेगा तब ADC बनेगा। ADC के बराबर कोण BAC है, कोण BAC है, ठीक है, BAC है। ये कोण के बराबर ये कोण है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, कोण ADC दिया है, कोण ADC ADC ये कोण हुआ, और कोण BAC, कोण BAC ये कोण हुआ। ये कोण के बराबर ये कोण है, ये दिया है। आपको सिद्ध करके CA² बराबर CB × CD दिखाना है। जो दिया है उसको अब लिखते हैं। पहले दिया है कोण ADC के बराबर कोण BAC, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, वो लिखते हैं। पहले सिद्ध करना है CA² बराबर CB × CD, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है, CA है कहाँ, CA मतलब ACA होता है ना, AC या CA, CB × CD, CD, एक बड़ा वाला त्रिभुज मैंने ABC त्रिभुज, एगो ADC त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। वही लेते हैं, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC। आपको ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा। समरूप दिखा देते हैं तब ये प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। समरूप दिखाने के लिए तीन शर्त है, आपको तीनों शर्त आपको मालूम होगा। AA होता है, SS होता है और SAS होता है। कोई एक शर्त लागू कीजिए, ठीक है। आपको दिया है तो कोण D के बराबर कोण A है, कोण D के बराबर कोण A आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप एक कोण और दिखा देते हैं तो आपको काम बन जाता है, ठीक है। देखिए ADC में कौन सी आ रहा है और BAC में कौन सी आ रहा है, तो कौन सी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो कौन सी कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, कोई दिक्कत, उभयनिष्ठ कोण है, कोई दिक्कत नहीं। आप दो कोण दिखा दिए तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाता है। अतः एंगल से तीन कोण दिखाए तो ए लगेगा ना। त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज BAC का। आपको पहले बताए थे समरूप दिखाना पड़ेगा, आपको समरूप दिखा दिए। जब समरूप होता है तो इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इधर से AD लेते हैं तो इधर से BA होगा। लेने का तरीका इसे पहले वीडियो में बताए थे, AD इधर से होगा BA, कोई दिक्कत। इधर से लेंगे DC तो इधर से होगा AC, DC इधर से AC, फिर शुरू वाले लास्ट वाले में AC लेंगे तो उधर से क्या होगा, BC होगा, ठीक है। आपको ये लाना है, ठीक है, तो आपको ये लाना था AC² लाना, AC आपको दो बार चाहिए, ठीक है। तो आपको ये दोनों बराबर ले लीजिए, हो जाएगा DC/AC और AC/BC, कोना कोनी गुना कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। AC को AC से गुना करें क्या होगा, AC² और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, BC या CB एक क्या होता है ना, BC या CD लेना, कोई बात नहीं, लिख दीजिए जो लिखा है, CB × CD आ गया। कोना कोनी गुना किए, देख लीजिए BC या CB एक ही होता है, तो BC × आपको CD लाना था, आ गया, लिख दीजिए हैंस प्रूफ। VBI क्वेश्चन था।
कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी भी है, ठीक है। बोला है ए बी, ए बी के एक मध्य बिंदु यहाँ पर भी है, बी सी यहाँ पर एक मध्य बिंदु है और सी ए यहाँ पर भी एक मध्य बिंदु है। ए बी का डी, बी सी का ई और सी ए का ई एफ, सॉरी एफ, कोई दिक्कत? अब इसको इससे मिला देते हैं। पहले एक त्रिभुज बन गया, आपको बोला है ए बी सी, ए बी सी बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है, डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, ये छोटे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लाना है आपको, मतलब डी ई एफ क्षेत्र, डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपको दिखाना है। कोई दिक्कत? लिख देते पहले जो दिया है, डी ई एफ मध्य बिंदु है, अतः यदि बी सी का मध्य बिंदु ई है तो बी सी ई एफ का बराबर बराबर भाग में बांटेगा, स्वाभाविक है कि नहीं? तो बी सी जितना होगा उसके उसके दुगुना होगा, आधा होगा ई डी, मतलब क्या, डी ई के, डी ई के दुगुना होगा बी सी, होगा ना, वही हम लिख रहे हैं। पहले ले रहे हैं हम डी ई, डी ई या बट्टे, डी ई का भुजा क्या होगा, ये ले रहे हैं ना, तो क्या होगा इसका ए बी। यदि डी ई एक है तो ए बी कितना है इसका, दुगुना है, में दो होगा, तो एक बट्टे दो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार सभी को ले लेते हैं, ई एफ, ई एफ ले रहे हैं तो ई एफ का ए सी होगा, एक बट्टे दो होगा। देख लीजिए ए सी यदि पूरे है तो ई एफ इसका आधा ही है ना, तो वो देखिए हैं, यदि ए सी पूरा पूरी, पूरा पूरी दो होगा तो ई एफ आधा होगा, वही लिखे हैं। यदि ई एफ एक है तो ए सी क्या होगा, उसका दुगुना होगा, ए सी दो होगा, वही लिखे हैं, कोई दिक्कत? उसी प्रकार अब क्या लेंगे हम, डी एफ, डी एफ बट्टे बी सी, ये भी होगा एक बट्टे दो, ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको अब आपको त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी का समरूप दिखाना पड़ेगा, जब समरूप दिखाते हैं तभी आप क्षेत्रफल का अनुपात निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, एक रूप से संगत भुजा का अनुपात बराबर ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब संगत भुजा का अनुपात बराबर आता है तो त्रिभुज ऑटोमेटिक समरूप हो जाता है, तो ही लिख देते हैं, चूंकि संगत भुजाओं के अनुपात अनुपात बराबर है, ठीक है, देख लीजिए बराबर आया है, इस भुजा का अनुपात है ना बराबर आया है, जब अनुपात बराबर आता है तो त्रिभुज समरूप होता है, त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा किसका, त्रिभुज ए बी सी का, होगा ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जब त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना आसान हो गया। अब प्रमेय पढ़े होंगे, प्रमेय 6.6, प्रमेय 6.6, 6.6 पढ़े होंगे आप, क्या बोलता है प्रमेय 6.6, क्षेत्रफल के अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो वही तो लिखते हैं, क्षेत्रफल का लिख सकते हैं एरिया, हिंद एरिया त्रिभुज डी ई एफ बट्टे एरिया त्रिभुज ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डी ई एफ का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यही लिखे हैं, संगत भुजा का अनुपात के बराबर होता है। कोई एक भुजा ले लेते हैं, कोई भी, मान लिया हम ले लेते हैं डी डी बट्टे होगा ए बी के वर्ग होगा, तो आपको मालूम है डी ई एक है, डी ई
ए बटा ए बी एक बटे दो है, इसको एक बट्टा दो के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं एक बट्टे चार, तो क्या होगा एक अनुपात चार, आपको यही लाना था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए बी सी और बी डी, बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है और त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है आपको। ठीक है, तो पहली बात, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए दोनों त्रिभुज का समरूप होना चाहिए। समरूप दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको समरूप दिखाना पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल का अनुपात, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते हैं। पहले त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, कोई दिक्कत? मान लीजिए ये ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए, ये बी और सी। इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्यबिंदु है, बी सी का मध्यबिंदु डी भुजा है। तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई, ठीक है, बी डी बोला है तो इसको यहाँ एक यहाँ मिला देते हैं, मान लीजिए इसका नाम देते हैं हम ई, तभी त्रिभुज बनेगा ना, बी डी ई त्रिभुज, यह बी डी ई त्रिभुज ये हुआ, ए बी सी त्रिभुज ये हुआ, इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, आपको दिया है समबाहु त्रिभुज, क्या दिया है समबाहु त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज बी डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप होगा, क्यों होगा बता देते हैं, इसका रीजन है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, जब समबाहु त्रिभुज होता है तो त्रिभुज समरूप ऑटोमेटिक होता है, समबाहु होने पर त्रिभुज समबाहु है ये, नो त्रिभुज समरूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जब त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। लिख देते हैं एरिया त्रिभुज, क्या बोला त्रिभुज ए बी सी ने बोला है पहले ना, तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी बट्टे अनुपात मतलब बट्टा होते एरिया त्रिभुज बी डी बी डी ई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको तुरंत निकाल कर दिखाते हैं, आपको एक सेकेंड में इसका आंसर आपका आ जाएगा। ए बी सी या बी डी ई, ए बी सी ये होगा और बी डी ई क्या होगा, बी बी डी ई ये त्रिभुज होगा। ठीक है, कोई एक भुजा ले लेते हैं उसका वर्ग होगा। ठीक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं बी सी, बी सी होगा तो क्या होगा बी डी होगा, बी डी का क्या होगा वर्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी सी, बी सी को बी सी लिखते हैं, अब बी डी जो है बी डी देख लीजिए, बी डी जो है बी सी का क्या है आधा है, तो इसको लिख सकते हैं बी डी की जगह बी सी बटे दो, कोई दिक्कत, इसका क्या है वर्ग है, देख लीजिए, फिर बोल रहे हैं हम बी सी पूरे है, ये पूरे बी सी है, तो बी डी क्या होगा बी सी का आधा ही होगा ना, और सी डी बी सी का आधा ही ना होगा, तब ये आधा मूल के पूरा बी सी बनता है, एक पूरा होगा, तो वही किए हैं, बी सी कट गया तो कितना होगा एक बटे दो के स्क्वायर, ओके क्या लिखेंगे यहाँ लिखते हैं एक बटे चार, आपको अनुपात लाना था एक अनुपात चार आपको आ गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई, इसी का अनुपात लाना था, अनुपात ला लिए हम, ये आपका आंसर हुआ, देख लीजिए कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं इस वीडियो में, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैं ज्यामिति का लाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, उसमें ध्यान से देखिएगा वीडियो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ नहीं समझते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को फिर पीछे कीजिए पुनः देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष समतल की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपके पास एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये a है,
ये बी है, ये सी है। आपको शीर्ष लंब ज्ञात करना है, तो पहले आप लंब खींच देते हैं, इसका नाम हम डी दे देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक भुजा 2a दिया है, ये 2a है, ये भी 2a है, ये पूरे कितने होगा? 2a होगा। तो बी डी फिर कितना होगा? a होगा, और डी सी कितना होगा? a होगा। समझ गए? वही लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं। ए डी शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज ए बी डी ले सकते हैं हम। ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, सब शीर्ष लंब है तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, जो लिखे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको ए बी मालूम है 2a, तो 2a का स्क्वायर होगा। बी डी आपको मालूम है a, तो a का स्क्वायर होगा। आपको ए डी ठीक है निकालना है आपको, कि 4a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। जब इसको घटाएंगे 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपको दोनों तरफ वर्ग है तो दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। कोई दिक्कत? वो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। तीन का वर्गमूल तो नहीं होगा, थ्री होगा, ए का वर्गमूल ए हो जाएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा, इधर ए डी बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपको ए डी नहीं लाना था, देख रहे हैं ना, तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट थ्री ए। ए डी ला लिए। ए डी क्या है? शीर्ष लंब है, बोला ही है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, तो एक शीर्ष लंब की लंबाई रूट थ्री ए हुआ ना, तो सभी शीर्ष लंब की लंबाई रूट थ्री ए ही होगा। तो वही लिखते हैं अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई रूट थ्री ए होगी। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं समझे होंगे वीडियो के पीछे करके फिर से देखिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज्यामिति का लाने वाला हूँ, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा, शुरू से बताऊँगा, आप VBI क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।